हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि सब लोग बढ़िया होंगे हमेशा की तरह। तो आज जो वीडियो है आज का, ये भी काफ़ी खास होने वाला है। कुछ टाइम पहले हम लोग लगभग एक दो महीने पहले गए थे किसी ऐसी लोकेशन पे जो कि काफ़ी बेहतरीन थी। वहाँ पे हमने कैंपिंग वगैरह किया था, आउटिंग वगैरह किया था, तो उसी का ही वीडियो है जो मैं आज आपको दिखा रहा हूं। तो चलते फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि क्या कुछ इस वीडियो में हमने किया है। सफर की शुरुआत ही कुछ इस तरीके से हुई है, आप लोग देख सकते हैं। सभी लोग लगे हैं पैदल पैदल चलने में। हालांकि हम लोग बाइक से आए थे और एक डेढ़ घंटे पहले हम लोग निकल चुके थे, और यहाँ पहुँचने के बाद यहाँ से आगे गाड़ी नहीं जा सकती है, तो इसलिए हम लोग यहाँ से पैदल पैदल जा रहे हैं। पैदल चलने का भी एक अलग ही मज़ा होता है, आप लोग समझ सकते हैं। यहाँ पे काफ़ी खूबसूरत मंदिर भी बना हुआ है और जंगलों के बीच का रास्ता हमें लेके जाएगा हमारे उस मंजिल तक जहाँ पे आज हम लोग जाने वाले हैं। पगला गए लड़के। ये देख सकते हैं, थोड़ा थोड़ा आपको दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पे इस जगह को देखते ही सारे लड़कों के चेहरे पे जो खुशी आई है वो बिल्कुल देखने लायक है। सभी लोग उतावले हो रहे हैं नहाने के लिए। आप फिलहाल लोकेशन देख सकते हैं कि कितनी खूबसूरत जगह है। ये पत्थरों के बीच से बहता हुआ पानी काफ़ी खूबसूरत दिखाई देता है, और अभी हमें ज़रूरत भी है कि एक ऐसी जगह की तलाश करना जहाँ पे हम लोग कैंपिंग कर सकें, जहाँ पे हम लोग आग जला सकें। तो कुछ देर ढूंढने के बाद हमें ये जगह मिली है। देखिए काफ़ी खूबसूरत लग रही है, और यहाँ पर हमने अपना कैंप भी लगा लिया है। और कैंप के साथ साथ ही हमने यहाँ पे चूल्हे भी लगा लिए हैं, उसमें आग भी जला ली है, और अभी मैगी भी बना के हमने खा ली है। फिलहाल मैगी वगैरह खाने के बाद हम लोग आ गए थे चिकन को बनाने के लिए। आप देखिए यहाँ पे हम लोग चिकन को बारबेक्यू कर रहे हैं, रोस्ट कर रहे हैं कोयले के ऊपर, और बगल में जो हमने आग जलाई है यहाँ पे हम भी कोई दूसरी डिश बनाएंगे। ये हम लोग बना रहे हैं बर्गर की पैटी यानी कि टिक्की बनाने के लिए। मिक्स कर इसे अच्छे। अरे छोड़ दो यार। लगभग एक घंटा समथिंग हमें हो गया यहाँ पे आए हुए। लकड़ियाँ वगैरह भी हमने ढूंढ ली, सभी कुछ हमने प्रॉपर बना लिया है, और अब बारी है पैटीज को बनाने की और उनको फ्राई करने की। वही पूछा गया कि क्या करूं चाचा, ये पूरा गंदा हो जाएगा। दो मिनट बाद मुझे हल्के में ले रहे हैं ना सर। पैन मिला, पैन सेंटर में ला यहाँ। ये इधर की साइड आ, उल्टी साइड बैठा हुआ। स्पैचुला है कहाँ, मेरे को देगा कोई? वो दे दो। तेल है, और ये हैं हमारे सेफ साहब जो आज का पूरा ही चूल्हा संभाले हुए हैं और हमारे लिए बनाए जा रहे हैं एक से एक बेहतरीन डिशेज। कौन कौन सी डिश हम लोग बनाने वाले हैं वो सभी कुछ तो आप अभी देखेंगे। वैसे शाम का समय है और मौसम भी थोड़ा बारिश वाला हो रहा है, तो हमें जल्दी जल्दी अभी यहाँ पे जो है कुकिंग वगैरह करनी है, और उसके बाद हमने यहाँ से निकलना भी है क्योंकि फिर मौसम काफ़ी ख़राब हो जाएगा और जो नदी है इसका भी पानी काफ़ी बढ़ जाएगा।
तो बारिश आने से पहले बिना भीगे हुए ही यहाँ से जाना हमारा एक काफ़ी इम्पोर्टेंट टास्क हो गया है। इसीलिए फटाफट से चीज़ें जो है प्रिपेयर करते हैं और फिर यहाँ से निकलना भी है। आपको दिखाते हैं कितना खूबसूरत हमारा कैंप दिख रहा है। देखिए अंदर हमने जो भी ऐसा सामान है हमारा जो पानी से भीग सकता है उसको हमने इसके अंदर रखा हुआ है और बाहर पे चल रही है हमारी कुकिंग। भाई ज़िंदगी में कभी मौका मिले तो ऐसा टूर ज़रूर बनाइएगा और ऐसी किसी लोकेशन में कुछ देर एटलीस्ट 2-3-4-5 घंटे तो ज़रूर बिताइएगा। वो जो एक्सपीरियंस होता है वो अपने आप में ही काफ़ी खूबसूरत होता है, कभी जाएंगे तो महसूस करेंगे। फिलहाल हमारे बर्गर बन चुके हैं, आपको दिखाते हैं। ये आप देख सकते हैं ये हमारा जो बर्गर है वो हमने बना लिया है। यहाँ पे पनीर हमने मैरिनेट किया है, इसको भी हम लोग अभी रोस्ट करने वाले हैं। देखिए चिकन भी हमारा बन गया है, जो हमारे सेफ साहब हैं ये लगे हुए हैं इसको गार्निश करने में। तो करता रहना भाई, हमसे तो इंतजार भी नहीं किया जा रहा है, हम सोच रहे कब ये बने और कब हम इसको खा लें। फिलहाल हमारे जो चिकन हमने रोस्ट किया था वो तो बन चुका है, लेकिन जो बचा हुआ चिकन है वो रोस्ट नहीं कर सकते क्योंकि उसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लग रहा है। तो हमने सोचा कि इसको फ्राई कर लेते हैं और हमने लगा दिया इनको इसको फ्राई करने में। देखिए तो ये अभी यहाँ पे चिकन फ्राई हो रहा है। और दो लोग देखिए यहाँ पे फोटोग्राफी के लिए भी चढ़े हुए हैं, मतलब सब अपने आप में ही सब इंजॉय कर रहे हैं। तो चिकन जैसे ही हमारा फ्राई हो जाता है उसके बाद पास्ता भी बनाना है और सपोर्टिंग एक्टर्स वगैरह बन जाएगा उसके बाद हम लोग भी खाएंगे और जैसे ही पेट वगैरह भर जाता है उसके बाद सारी चीज़ें समेटेंगे और यहाँ से निकलेंगे वापस जहाँ से हम लोग आए थे उसी लोकेशन के लिए। तो यही है आज का वीडियो, अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बताइएगा ज़रूर कि आपको वीडियो कैसा लगा। हम आपसे मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।